नमस्कार भाइयों, मैं दिनेश LSD प्रो ऑडियो सिस्टम में आपका स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज का वीडियो कुछ कंपनी के ऊपर में होने वाला है, तो मैं ये वीडियो बनाया हूँ विथ प्रूफ बना के आपको दूंगा, उसका प्रूफ भी दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले कि TD क्लास का एम्पलीफायर जो कि आर्क सब कंपनी बना रही है, TD क्लास का एम्पलीफायर तो सबसे पहले हमने लॉन्च किया था 2017 में। आज क्या हो रहा है, हमारे TD क्लास का एम्पलीफायर को बहुत से कंपनियां, बड़े बड़े कंपनी आज मदरबोर्ड अंदर का सेम रख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर सेम है, चाइना से सेम टू सेम हमारा एम्पलीफायर का कॉपी करके आगे का पैनल चेंज करके अपने नाम से बेच रही है। तो पहले तो मैं सारे कंपनियों को नमस्कार करता हूँ और किसी को नीचा गिराना मेरा उद्देश्य नहीं है, किसी को हर्ट करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। एक छोटा सा जानकारी भरा वीडियो बनाया हूँ, सोच रहा हूँ कि आप लोग को भी कुछ जानकारी होना चाहिए कि TD क्लास एम्पलीफायर किसने इंडिया में फर्स्ट लॉन्च किया और आज जो भी 7-8 साल बाद में चल रहा है TD क्लास मार्केट में, उसको सब कॉपी करके कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा, कोई कंपनी को नीचा गिराना मेरा उद्देश्य नहीं है, सब अपने मेहनत से कमाते हैं, सब अपना काम करते हैं। आज एक छोटा जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग को भी LSD के विषय में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि 2016-17 में हमारा YouTube चैनल सबसे फर्स्ट साउंड का चैनल इंडिया में मेरा ही था। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जुड़े हुए हैं, मेरा बहुत सब्सक्राइबर था, तो ये मेरा नया चैनल है। ये हमने 2021 के आसपास बनाया है। 20 में हमारा चैनल दिसंबर महीना 15 तारीख के आसपास बंद हो गया था, हमारे स्टाफ का गलती था, एक ही आईडी से दो चैनल खोल दिया था, इसलिए एक बंद हो गया था। तो मैं ये वीडियो बनाया हूँ TD क्लास के एम्पलीफायर के ऊपर। मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा कि आज के डेट में कौन कौन सी कंपनी हमारा कॉपी करके अपना नाम चला रहे हैं। अंदर का मटेरियल सेम है, मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा और पुराना वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, हमारे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है। 3 साल पहले एक सीतामढ़ी बिहार के कस्टमर थे, हमारा चैनल से कॉपी करके अपने चैनल पे डाले थे, हमारा TD क्लास का एम्पलीफायर का वो एम्पलीफायर लिए भी थे, तो वो लॉकडाउन के समय लिए थे, तो उनका भी चैनल मैं आपको दिखाऊंगा। और इंडिया मार्ट में मैंने 2017 में डाला था TD क्लास का फोटो। हमने 3 मॉडल बनाया था, TD 4202, TD 5502, TD 7002, जो हम 3 साल के लगभग हुआ बंद कर चुके हैं और उसका मैंने अपग्रेड करके निकाला था TD 5001, 6001 और TD 10001, जो कि अभी चल रहा है। अब TD 12001 निकालेंगे। तो मैंने जब बनाया था तो मुझे पता था कि एम्पलीफायर एक दिन इंडिया में बहुत नाम होगा, और आज LSD का क्वालिटी पे जो लोग नहीं विश्वास करते हैं वो एक दिन जरूर करेंगे। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको दिखाना चाहूँगा TD क्लास 4202 का वीडियो,
जो हमने बनाया था टीडी क्लास वैली 02 7002, और उसका सर्विस का भी एक दो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला था पुराने चैनल पे, तो उसका कुछ यूट्यूब पे दूसरे यूट्यूबर भी डाले हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा टीडी क्लास 5001, क्योंकि 4202 बंद कर दिया है, इसको मैंने अपग्रेड किया है। इसमें मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए यहाँ पर साइड में आपको LSD 100% कॉपर ट्रांसफार्मर यहाँ लिखा हुआ आएगा, देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर पे बारकोड आएगा, सीरियल नंबर आएगा, बारकोड के साथ सीरियल नंबर आएगा। और ये मैंने खोला है, ये क्यों खोला है ये भी मैंने बताऊंगा। मैंने इसको खोला, आप इसमें देख सकते हैं कैपेसिटर, 200 वोल्ट का कैपेसिटर लगता है। ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, मदरबोर्ड देख सकते हैं, टीडी क्लास का मदरबोर्ड आपके सामने रखा हुआ है। अब ये टीडी क्लास का मदरबोर्ड का बारे में मैं बताऊंगा, इसमें 4 मॉडल बन सकते हैं। देखिए आपके पास में यहाँ लिखा हुआ है ES 1000, ES 1300, ES 1500, ES 1800, तो ये 4 मॉडल इसमें बन सकता है। तो मदरबोर्ड सेम रहेगा, इसमें मदरबोर्ड सेम रहेगा, लेकिन ट्रांसफार्मर बड़ा हो जाएगा, उसका एम्पेयर बढ़ जाएगा, पावर सप्लाई का एम्पेयर बढ़ जाएगा और ट्रांजिस्टर का एम्पेयर बढ़ जाएगा। तो जैसे 5001 में भी सेम मदरबोर्ड लगता है, 6001 में लगता है, और 10001 और 12001 उसमें भी सेम मदरबोर्ड लगेगा। सबका ट्रांसफार्मर का करेंट का सप्लाई बढ़ेगा और इसमें पावर सप्लाई में इंक्रीज किया जाएगा वोल्टेज, और इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। ये मॉडल है, ये टीडी क्लास आप पीछे भी देख सकते हैं, ये सेम चीज आपको टीडी क्लास के अदर ब्रांड में मिलेगा। मैं आपको पहले वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि हमने टीडी क्लास पहले बनाया था इंडिया मार्ट में, 2016 में डाला था, आप देख सकते हैं। LSD टीडी क्लास एम्पलीफायर इंडिया मार्ट, गूगल में सर्च करिएगा तो हमारा ये फोटो आएगा 4202। देखिए ये हमने 2017 में डाला था, 1500 डंपिंग पावर लिखा हुआ है, ये हमने डाला था, देख सकते हैं अच्छे से चारों तरफ से इस तरह से टीडी क्लास एम्पलीफायर। इसमें दिखाता हूँ आपको इसका मैं वीडियो, देखिए हमारे कस्टमर जो डाले थे हमारा 19 जुलाई 2021 को, ये वीडियो यूट्यूब पे आज भी है, आप देख सकते हैं। ये हमारे मैं दिनेश ओडिशा राउरकेला, इसका 660 सब्सक्राइबर है, ये टीडी 7002 का वीडियो डाले हुए हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है म्यूजिशियन गोपाल डीजे, ये सीतामढ़ी बिहार के हैं। देखिए से भाइयों, आज मैं दिवाली के इस शुभ अवसर पे आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए तो भाइयों, देखिए आपके सामने में 2000 डंपिंग पावर के साथ आता है, इसका डंपिंग फैक्टर 2000 है और इसमें प्रोएक्टिव सिस्टम लगा हुआ है। प्रोएक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, और टीडी क्लास का मतलब क्या होता है, इसमें मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, देखिए दोनों चैनल पे। प्रोएक्टिव सिस्टम बहुत ही कामयाब है और इसकी खासियत है ये 150 वोल्ट से नीचे होगा तो मशीन ऑन नहीं होगा, और 260 से ऊपर इसका वोल्टेज जाएगा तो मशीन ऑफ हो जाएगा। तो इसमें तो ये वीडियो था 19 जुलाई 2021, तो मैंने 2 साल पहले मेरा चैनल में डाला था, तो उसको इन्होंने कॉपी किया था। उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब पे, हमारे एम्पलीफायर का कॉपी जो कि
2022 में प्रो एक्टिव के नाम से सिर्फ प्रो एक्टिव लिखा हुआ आया है, तो मैंने देखा है इसका कॉपी हो रहा है, एलएसडी उसमें से मिटा दिया गया है और सिर्फ प्रो एक्टिव लिख करके प्रो एक्टिव के नाम से बेचने लग गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आज के डेट में AD 9000 जो मॉडल आया हुआ है मार्केट में और भी टीडी क्लास का है, तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो भी हमारा इसी एम्पलीफायर का कॉपी है, मदरबोर्ड सेम है, ट्रांसफार्मर सेम है, कंडेंसर सेम है, सिर्फ 5001 पे 9000 लिखा है। फिर उसके बाद में आपको दिखाता हूँ ये वीडियो, 9900 लिखा हुआ है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कावड़ यात्रा के बाद ये दूसरे का चैनल है, देख सकते हैं ये भैया डाले हैं, देखिए ये AD 9000 और AD से भी चीज को प्रोटेक्शन कर सकते हो। देखिए AD 9000 में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, पर इसमें प्राइस क्यों एक्स्ट्रा लग रहा है, इसमें देख सकते हैं इसमें लिखा है एक्सट्रीम बेस एम्पलीफायर, इस पे नहीं लिखा है, इसमें आप टॉप भी चला सकते हो, इसमें ओनली बेस का ही आपको सब इनबिल्ट सब बुफर मतलब क्रॉसओवर जो आपको अलग से लगाना पड़ता है वो नहीं यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसमें 15000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। उससे बेस्ट तो मैं बोलूंगा AD 9000 लो, वॉट एस सब कुछ सेम है, 15000 में कोई भी एक अच्छा सब बुफर चलाने के लिए क्रॉसओवर यूज कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत तरीके से जैसे डबल चैनल आते सिंगल चैनल उसके अकॉर्डिंग, बाकी आप पार्ट्स देख सकते हो दोनों में सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब A to Z। मैं आपको बैक साइड का भी दिखा रहा हूँ, दोनों मशीन है 89,000 और 89,000, जो कि इसका प्राइस काफी लोग को पता होगा, ये पड़ता है आपको करीब 75 से 80 हजार रुपए करीब, और ये पड़ेगा 60 से 65 हजार, जो कि अंदर देख सकते हो आपको वाटेज सेम मिलेगा, इसमें भी 3800 करीब, इसमें भी 3800 कंपनी बोलती है, बट आपको 3000 वाट आउटपुट मिलेगा, इसका जल्दी वीडियो आने वाला है और काफी अच्छा क्रॉसओवर जो आपको आप देख सकते हैं इसका एम्पलीफायर का डिटेल, 2 ohms पे 5500 वाट है, डंपिंग पावर 3500 है, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे एक भैया है जो कि प्रिंस डीजे ब्लॉग, ये 2 दिन पहले ये वीडियो डाले हैं, तो इसे मैंने देखा और हमारा पार्ट्स देखा अंदर का सेम पूरा है, और मैंने इसका मदरबोर्ड भी आपको सामने में रखा हूँ, देख सकते हैं इस पे ट्रांजिस्टर बढ़ाना पड़ता है, 5001 6001 10001 में सिर्फ ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर बढ़ता है और पावर सप्लाई में थोड़ा करंट का फ्लो बढ़ता है। तो और भी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, देखिए ये एटन बेटे को हाथ लगाने से पहले पाप से बात कर, तो आप देख लीजिए इसे चाइना से लॉन्च मंगा के इसको 89,000 दूसरी कंपनी भी लॉन्च किए हैं, और हमारा वीडियो आपको हमारे कस्टमर ने डाला था 19 जुलाई 2021 को, और मैंने इसका कॉपी होने का भी एक वीडियो बनाया था जब मैंने 2022 में 2 साल पहले बनाया था, देखिए आपको दिखाता हूं। DWG drawings are often worked on by many professionals from different devices and locations. ये 5001 6001 10001 देखिए ये हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इसका डेट आपको दिखा दो कब डला है, 23 मार्च 2023 को डाला था हमने इसको, मैंने इससे पहले भी सिंगल सिंगल इसका डिजाइन 6000 वाट और 10000 वाट उससे ज्यादा प्रेशर देगा, और ये मशीन का खासियत है ये देखिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, तो इसीलिए
देखिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने 2017 में TD 4502 5502 7002 लॉन्च किया था, तो उस मॉडल का कॉपी बनाने लग गए हैं बहुत सारे दिल्ली के लोग, तो इसीलिए कॉपी से बचें। और हम आपको उसका नया मॉडल अभी 3 लॉन्च किए हैं, 5001, 6001 और 10001। उससे ज़्यादा प्रेशर देगा, और ये मशीन का खासियत है ये हीट नहीं होता है, इसमें वोल्टेज परफेक्ट होना चाहिए, ये टीडी क्लास का है। तो आपने ये वीडियो देखा, ये हमने 23 मई 2023 को डाला था, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमारे दिल्ली में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था 3 साल के पहले, तो तक का लोड आसानी से डाल सकते हो। जी जी, ये देखिए, ये भैया हमारे डीलर थे दिल्ली पर, जिन्हें मैंने बना कर दिया 2750। हाँ हाँ, जो भी पड़ेगा आप देख सकते हैं। ये LHD का 5500 वाट का एम्पलीफायर, इसका हम प्राइस बताते हैं, तो इसका प्राइस 1 वाट का कोई भी चैनल का एम्पलीफायर SD है। हम आपको LHD के TD क्लास के एम्पलीफायर है, जैसे उनके लिए LHD ने प्रॉपर अलग से कुछ एम्पलीफायर है, उनके TD क्लास के एम्पलीफायर है। जैसे कुछ कुछ कंपनियों के H क्लास के एम्पलीफायर आते हैं, AB क्लास के एम्पलीफायर आते हैं, उससे भी सुपीरियर क्वालिटी में आते हैं TD क्लास के एम्पलीफायर, जो हम आपको समझा दें। तो TD क्लास के एम्पलीफायर हर एक कंपनी के पास नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड कंपनियां हैं जिनके पास ये TD क्लास के एम्पलीफायर है, उनमें से एक LHD है। हम आपको LHD के TD क्लास के एम्पलीफायर सिखाते हैं। TD क्लास के एम्पलीफायर 4000 वाट में आते हैं, 5500 वाट में आते हैं एंड 7000 वाट में आता है। सबसे पहले हम दिखाने वाले हैं आपको ये LHD का TD क्लास का 4000 वाट का एम्पलीफायर। ये इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, TD4202, LHD की ब्रांडिंग के साथ मिल जाता है। तो भाइयों, आपने ये हमारे दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर है आशीष अग्रवाल जी, टीम पाड़ी स्टार चैनल पे ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो उन्होंने डाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 सितंबर 2021। तो अभी देख लीजिए, अभी सितंबर 24 चल रहा है, 3 साल पहले का ये वीडियो है। मैंने इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल कर दिया, नहीं देता हूँ, 1 साल के बाद मैंने इसका इनका वीडियो डाला था। अब मैं बता देता हूँ कि TD क्लास एम्पलीफायर मैंने वीडियो डाला है, देखिए मैंने रिपेयरिंग करते हुए भी वीडियो डाला है, देखिए ये 10000 क्लास का एम्पलीफायर है, काफी अच्छा एम्पलीफायर होने के बावजूद भी कस्टमर इसको सही वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कराया है। इसमें उसने 7.5 KV के जनरेटर पे 5 kW का लगा करके स्टेबलाइजर चलाया है, और वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन धुआं दे रहा था जनरेटर, तो इसका कुछ ट्रांजिस्टर्स वगैरह खराब हुए हैं एक चैनल का, तो इसको हम रिपेयर कर रहे हैं। TD क्लास का है, ये जो कंडेंसर है इसमें 200 वोल्ट का है, आप देख सकते हो 100 वोल्ट लगता है, काफी पुराना सेट है, ये ट्रांसफार्मर भी हैवी होता है, ये खराब नहीं होता, हिट नहीं होता है, ये फिर भी बहुत रेयर कंप्लेंट आता है इसमें, बाय चांस का बात होता है, क्योंकि चलाने के ऊपर भी है, स्टेबलाइजर सही होना चाहिए, 90 वोल्ट से स्टेबलाइजर यूज किया जाता है। बाकी लोग मार्केट का स्टेबलाइजर 180-200 वोल्ट वाला ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं, क्योंकि जब ये तो ये वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आज मैंने ये छोटा सा जानकारी के लिए वीडियो बनाया था कि आज बड़े बड़े कंपनियों का नाम है, और TD क्लास का आप YouTube पे हमारा वीडियो देख सकते हैं। हमने सबसे पहले लॉन्च किया था, एक प्रो एक्टिव के नाम से इसे बनाया गया पहले LHD मिटा के, फिर उसके बाद ऑडियो एटोन ने निकाला, फिर ऑडियो टोन जो अभी चल रही है, 2 मॉडल निकाला है, अभी एक मॉडल हम और लॉन्च कर रहे हैं 12000। अब हम इसमें कुछ नया लुक करेंगे फ्रंट में, जो लेटर ऑरेंज कलर से लिखा हुआ आएगा,
इसका कॉपी नहीं हो पाएगा और 12000 का पूरा लुक चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अंदर का सेम 200 वोल्ट का कंडेंसर, सब कुछ सेम, मदरबोर्ड भी हमारे पास अवेलेबल है, इसका ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर देख सकते हैं IXTQ82N25। तो ये कोरिया का ट्रांजिस्टर होता है, मेड इन कोरिया, इसमें लगता है, आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत महंगा ट्रांजिस्टर होता है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, ये हमारे पास में अवेलेबल मिलेगा आपको। ये मदरबोर्ड खाली रहता है, इस पर फिलअप किया जाता है, फिलअप करके आप जितना ट्रांजिस्टर एम्पेयर का ज़्यादा लगाएंगे और जितना ज़्यादा एम्पेयर का ट्रांसफार्मर डालेंगे उसी के हिसाब से ये वाटेज देगा। तीनों का मदरबोर्ड सेम है और 12000 का भी सेम है, उसमें ट्रांजिस्टर आपको ज़्यादा डालना पड़ता है, देख सकते हैं इसमें कम ट्रांजिस्टर डाला हुआ है, लेकिन आपको ये 1500 डंपिंग है और फिर भी प्रेशर ये आपको 6000 6500 को टक्कर देता है, जो 6001 होता है वो 9 से 10000 को टक्कर देता है, और जो 10000 होता है हमारा वो 4 ओम पे 2500 का 4 बेस चलाता है, दो इधर दो इधर। तो इसीलिए ये एम्पलीफायर हम लॉन्च किए थे सबसे पहले, और मैं उड़ीसा राउरकेला LSD से हूँ, और ये हमारा इसका डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल है, कैटलॉग मशीन के साथ दिया जाता है, इसमें पूरा आपको लिखा जाएगा 5001 TD 6001 10001 1500 डंपिंग 1500 डंपिंग और 10001 का 2000 डंपिंग, आपको 85 dB 88 dB 90 dB क्रॉस टॉक सारा कुछ इसमें दिया गया है। वेट है 30 kg 32 kg 35 kg, इस तरह इसका वेट भी पूरा लिखा हुआ है, और इसमें आपको बॉक्स के साथ में वेट लिखा है नीचे में और ऊपर में एम्पलीफायर का 2 ohms पे कितना देता है, लेकिन ये डंपिंग पावर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होता है और क्वालिटी सबसे बेस्ट, क्योंकि इसमें माइक्रोचिप लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ माइक्रोचिप, ये कोरिया से इंपोर्ट करके बोर्ड आता है, ये इंडिया में नहीं बनता ये बोर्ड, ये बहुत हाई क्वालिटी का है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता और ख़राब होने से हमारे पास पार्ट्स अवेलेबल मिलेगा। तो इसीलिए हमारा कोई भी एम्पलीफायर लीजिए आपको सर्विस मिलेगा, और हम खुद मिस्त्री हैं और हम खुद बनाते हैं, और इसको हम लोग सामान मंगा के ट्रांसफार्मर वेंडिंग करवाते हैं, सब अपने यहाँ असेंबल करते हैं, कोई भी कंपनी सारा असेंबल करता है। मैं दिखाऊँ आपको हाइब्रिड का पैनल जो हम बनाए हैं, देख सकते हैं, उसके बाद जो ट्रांजिस्टर आते हैं हमारे, देख सकते हैं ओरिजिनल ट्रांजिस्टर ROHS, ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर मिलेंगे पूरा हमारे पास में, सारा चीज एम्पेयर के हिसाब से लगता है, ओरिजिनल लगता है। तो हमारा टोटल इसका बॉडी से हैंडल से लेके सब हमारे पास मिलेगा, ये सब अलग अलग आते हैं, मैं 2-4 दिन में इसको पूरा कैसे फिटिंग होता है, कैसे बनता है और इसका नया लुक क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और 12000 भी लॉन्च हो रहा है उसको भी दिखाऊंगा। तो मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, सब मेरे भाई हैं, सब कंपनी मेरे भाई है, लेकिन मैं बोलूँ कुछ नया टेक्नोलॉजी लाइए आप लोग, किसी का कॉपी मत कीजिए, क्योंकि हम कोई दुकानदार को माल नहीं देते हैं, कस्टमर को डायरेक्ट देते हैं, और हमको कस्टमर को जिसको भी देते हैं वो कस्टमर मेरे खुश हैं, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं बेचना है, मैं कम बेचूंगा, एक पीस बेचूंगा, मेरे कस्टमर सेटिस्फाई हैं, मेरे को यही चाहिए, और कोई भी कंपनी से मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को ख़राब बोल रहा हूँ ना अच्छा, और कोई उद्देश्य नहीं है मेरा किसी को हर्ट करने का। तो एक छोटा सा जानकारी आप दर्शकों तक पहुँचे, आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वो लोग तक पहुँचे, इसलिए ये वीडियो डाला हूँ कि हमारा एम्पलीफायर का आगे से शक्ल चेंज करके अंदर में हमारा सेम माल बनवा करके लोग डाल रहे हैं और अपने नाम से बेच रहे हैं। तो सोच लीजिए LSD 8 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी लेके आया जो आज सब कॉपी कर रहे हैं। हमने 4000 वाट का स्पीकर निकाला है LSD का 21 इंच में,
2500 वाट स्पीकर 3 साल से हम बेच रहे हैं, सारे कस्टमर लिए हैं, सब खुश हैं 21 इंच में, और आज भी तहलका मचाया हुआ है मार्केट में। 22 इंची हम 1 साल पहले बनाए हैं स्पीकर, 22 इंची डबल मैग्नेट 5.5 इंची कॉइल में बनाए हैं, अभी तक लॉन्च नहीं किए, 1 साल से बना के रखे हैं, जो कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं वो देखते हैं। तो हम अभी मार्केट में धीरे धीरे करके निकालते हैं, देखते हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है, तो उस हिसाब से कैबिनेट वगैरह सब स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सारा कुछ, हमारा स्पीकर का मॉडल जो 2017 में था आज भी वही है, हमने कभी बंद नहीं कर सकते क्योंकि उस पर रिसर्च किए हैं और वो मॉडल सालों साल चलेगा। और सस्ता में कुछ इम्पोर्टेड हम लाएंगे जो जिसको सस्ता चाहिए, क्योंकि हमारा क्वालिटी के लिए वो महंगा हो जाता है, हमारा एम्पलीफायर भी महंगा है क्योंकि हम कोरिया का ट्रांजिस्टर वगैरह सारा यूज़ करते हैं, लोकल यूज़ नहीं करते हैं। तो ये वीडियो था, छोटा जानकारी, किसी को हर्ट पहुंचा हो चाहे कोई भाई मुझसे नाराज हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और ये छोटा सा जानकारी दिया, इसके लिए आप लोग का भी सपोर्ट है, इतना दिन से LSD कंपनी यहाँ है, आप लोग की वजह से है, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।